आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और रामलीला के उपलक्ष्य में आज रामलीला में घटित होने वाली घटनाएं हैं, जैसे राम जी ने राक्षसों का वध किया, उसके बाद माता अन्नैया को श्राप मुक्त किया और अंत में सीता जी का स्वयंवर का निमंत्रण पत्र आया है। तो आज का ब्लॉग जरूर देखें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जय श्री राम। वह तो अपनी करने की सजा पा चुकी। और तू भी क्यों लोग चाहता? अरे अरे क्यों मुंह फाड़ फाड़ कर बातें बनाता है? और व्यर्थ ही मुझे गुस्सा दिलाता है। बस अब मरने के लिए तैयार हो जा। गुरुजी, ये सब आपके आशीर्वाद से? नहीं नहीं राम, आप तो सूर्य वंश के दीपक हो। चांद में दाग है किंतु तुम बेदाग हो। अच्छा गुरुजी, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? बेटा अभी आप आराम करो। Thank you.
मुनि जी, हमें यह बताइए कि यह शिला क्यों पड़ी हुई है और इसका उद्धार कैसे होगा? बेटा, यह गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्या मुनि के द्वारा बिना अपराध के इसे श्राप दे दिया गया जिससे यह पत्थर हो गई। बेटा, अब केवल यह आपके चरणों की धूल की प्यासी है। जिस धूल के प्रभाव से इसका उद्धार होगा बेटे, इसलिए बेटा इस पर चरण स्पर्श करने की कृपा कीजिए। किंतु मुनिनाथ, स्त्री पर चरण स्पर्श करना तो महापाप है। नहीं बेटा, दूसरों की भलाई में कोई पाप नहीं। जो आज्ञा मुनिनाथ। पहले चला था, अब सुबह से शाम होने को आई है। बहुत थक चुका हूं, परंतु अभी तक मुनि विश्वामित्र के स्थान का पता नहीं मिला। सुना है कि वह इसी जंगल में रहते हैं। क्या करूं, कहां जाऊं, कोई आता जाता भी नहीं। खैर,
अब इस ओर जाता हूं, शायद कहीं पता लग जाए। क्या मुनि विश्वामित्र जी का यही स्थान है? उन्हें उनसे क्या काम है? उनके नाम एक पत्र आया है। हाँ, मेरा नाम ही विश्वामित्र है। लीजिए मुनि जी, ये आपके नाम का पत्र है। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे और भी जगह जाना है। प्रणाम मुनि जी। तुरंत जी दोगे? मुनि जी, यह पत्र कहां से आया है और इसमें क्या लिखा है? बेटा, तुम स्वयं पढ़कर मुझे भी सुना दो। श्री ऋषि विश्वामित्र जी, सादर प्रणाम। अत कुशलम तत्रास्तु। अभिनय निवेदन है कि मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर तिथि 5 अक्टूबर 24 को होना निश्चित हुआ है, तथा आपसे निवेदन है कि आप निश्चित तिथि पर पधारकर अपने कमल रूपी चरणों से सेवक के यज्ञ को पवित्र करने की कृपा कीजिए। धन्यवाद। आपका दर्शन अभिलाषी जनक मिथिलापुरी। गुरु जी, आपकी आज्ञा हो तो हमें भी साथ ले चलिए ना। हाँ बेटा राम, बड़ी खुशी से आप दोनों तैयारी करो। तुम्हारे लिए ही तो स्वयंवर रचाया जा रहा है, हम तो केवल उपस्थित मात्र हैं। राजा